तिलचट्टे की आंतरिक संरचना में हम तिलचट्टे की आंतरिक संरचना में हम तिलचट्टे की आहार नाल का अध्ययन करेंगे। तो तिलचट्टे की आहार नाल है, तो अब हम देखते हैं कि आहार नाल देह गुहा में स्थित, देह गुहा में पाई जाती है। देह गुहा में स्थित आहार नाल को तीन भागों में बांट सकते हैं, अग्रात्र, मध्यात्र एवं पश्चात्र के रूप में बांट सकते हैं। मुख एक छोटी नलिकाकार ग्रसनी में खुलता है। मुख यहाँ पे ग्रसनी है, ग्रसनी में खुलता है, जिससे एक सीधी और सकरी ग्रसिका निकलती है। ये ग्रसिका है, ग्रसनी से ग्रसिका निकलती है। ग्रसिका एक पतले ग्रसिका एक पतले भित्ति वाले कोष में खुलती है। ये पतला भित्ति वाला कोष है जिसे हम अन्नपुट कहते हैं, यानी शस्त्र जिसको अन्नपुट कहते हैं, जिसमें भोजन का संग्रहण करती है। पीछे यहाँ पीछे ग्रंथिल जठर होता है। ये ग्रंथिल जठर है जिसको प्रोवेंट्रिकुलस कहते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस या पेशनी कहते हैं, या ग्रंथिल जठर कहते हैं, या पेशनी कहते हैं, या प्रोवेंट्रिकुलस कहते हैं। इसमें बाहर एक मोटा बर्तुल पेशीय स्तर होता है, इसमें बाहर मोटा बर्तुल पेशी स्तर होता है पेशनी में, और यह पेशीय स्तर यानी पेशीय स्तर की उपत्वचा छह स्थानों पर मोटी होती है। यानी पेशीय स्तर होता है, मोटा होता है, बर्तुल होता है, तथा इसमें छह उपत्वचीय और ये पेशी स्तर है छह स्थानों पर मोटा होकर के उपत्वचीय दांतों का निर्माण करता है। ये दांत भोजन को पीस कर, भोजन के मोटे कणों को छोटे कणों में तोड़ने का काम करता है। और पूरा जो अग्रात्र है यह अंदर से उपत्वचा से आस्तरित रहता है। फिर आता है मध्यात्र, यहाँ से यहाँ तक मध्यात्र एक सक्री एवं समान व्यास की नलिका है जिसमें उपत्वचा का आस्तर नहीं होता। अग्रात्र मध्यात्र के संधि स्थल पर, अग्रात्र और मध्यात्र के संधि स्थल पर अंगुली के समान छह से आठ नलिकाएं होती है, चार इधर गिनेंगे तो यानी छह से आठ नलिकाएं होती है, जिन्हें हम अंध नलिकाएं कहते हैं, और इनके सिरे बंद होते हैं। इनको हम यकृति या जठरीय अंधनाल भी कहते हैं, यकृति अंधनाल कह सकते हैं, जठरीय अंधनाल कह सकते हैं, क्योंकि इनसे जठर रस का स्राव होता है। ये पाचक रस बनाती है। फिर आता मध्यात्र, ये मध्यात्र है, और मध्यात्र पश्चात्र के संधि स्थल पर लगभग 100 से 150 पतली पीले धागे रंग की नलिकाएं होती है, जिन्हें हम मेलपीके नलिकाएं कहते हैं। और ये मेलपीके नलिकाएं क्या करती है, यानी कि हीमोलिम्फ से उत्सर्जित पदार्थों को आहार नाल में भेजने का काम करती है। और जो क्षुद्रात्र पश्चात्र है, इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं, क्षुद्रात्र, बृहदात्र और मलाशय। मलाशय जो है ये मलद्वार द्वारा बाहर खुलता है। तो ये थी हमारी आहार नाल की संरचना। अब हम देखेंगे तिलचट्टे में परिसंचरण तंत्र। तो तिलचट्टे का ये हृदय है, ये लंबी पेशी हृदय है, ये कोष्ठकों में बटा है, और ये अग्र महाधमनी है। पक्षाकार पेशियां हैं, हृदय कोष्ठकों के साथ में लगी रहती है, और हृदय के पार्श्व में ओष्ठियां पाई जाती हैं। तो हम इसके बारे में अब देखें।
तिलचट्टा यानी कॉकरोच में खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है और इसमें रुधिर वाहिनियां अल्प विकसित होती है और रुधिर गुहा में खुलती है और उसी में सभी अंग डूबे रहते हैं, अंतरांग डूबे रहते हैं, जिसे हम रुधिर लसिका कहते हैं। रुधिर लसिका को हीमोलिम्फ भी कहते हैं। यह रंगहीन प्लाज्मा व रुधिर अणुओं से बना होता है। कॉकरोच का हृदय एक लंबी पेशी नली होती है जो रुधिर गुहा में वक्ष और अधर की मध्य पृष्ठ रेखा के साथ साथ स्थित होता है। कॉकरोच का हृदय लंबी पेशी नली होती है जो रुधिर गुहा में वक्ष और अधर की मध्य पृष्ठ रेखा के साथ साथ स्थित है। हृदय कीपाकार कोष्ठकों में विभेदित होता है और दोनों तरफ आश्य होते हैं। तो ये था हमारा कॉकरोच का हृदय। कॉकरोच में श्वसन तंत्र पाया जाता है। श्वसन तंत्र शाखित श्वसन नालों के जाल का बना होता है। और श्वास नाल श्वास छिद्रों द्वारा खुलती है। यानी श्वास नाल श्वास छिद्रों द्वारा बाहर खुलती है। 10 जोड़ी श्वास नाल पाए जाते हैं। यानी 10 जोड़ी श्वास छिद्रों द्वारा, यानी श्वास नाल शरीर के बाहर पार्श्व सतह में श्वास छिद्रों द्वारा खुलती है। 10 जोड़ी श्वास छिद्र होते हैं जिनके द्वारा वायु अंदर प्रवेश करती है तथा श्वास नाल पुनः विभाजित होकर के श्वास नलिकाएं बनाती है और ये हवा को श्वास नलिकाओं द्वारा शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है, सभी भागों तक पहुंचाती है। श्वास छिद्रों का खुलना अवरोधनी द्वारा नियमित होता है। श्वास नलिकाएं गैसों का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा करती है। तो ये था हमारा कॉकरोच का श्वसन तंत्र। अब हम देखते हैं तिलचट्टे में उत्सर्जन। तिलचट्टे में उत्सर्जन मैल पीगे नलिकाओं द्वारा होता है और प्रत्येक नलिका ग्रंथिल रोम युक्त उपकला द्वारा आश्रित रहती है। यानी प्रत्येक नलिका में ग्रंथिल रोम युक्त उपकला पाई जाती है और ये नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का अवशोषण करके जैव रासायनिक क्रिया द्वारा यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर देती है और यूरिक अम्ल को पश्चात्र में छोड़ दिया जाता है इसके द्वारा, क्योंकि पश्चात्र से लगी रहती है मैल्पीगे नलिकाएं। और इस प्रकार के कीट यूरिक अम्ल उत्सर्जी कहलाते हैं। यानी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले कीट यूरिक अम्ल उत्सर्गी कहलाते हैं और मैल्पीगे नलिका के साथ साथ उत्सर्जन में सहायक कौन कौन सी है, वसापिंड, ब्रक्काणु, उपत्वचा और यूरेकोष ग्रंथियां उत्सर्जन में सहायक होती है। तो ये हमारा तिलचट्टे का उत्सर्जी अंग हुआ कंप्लीट। है तंत्रिका तंत्र। तिलचट्टे में तंत्रिका तंत्र श्रेणीबद्ध, खंडीय, व्यवस्थित गुच्छिकाओं का बना होता है, यानी गैंग्लियाओं का बना होता है। ये गैंग्लिया अधर तल पर युग्मित अनुदैर्ध्य संयोजक से जुड़ी रहती है। गैंग्लिया अधर तल पर युग्मित अनुदैर्ध्य संयोजकों से जुड़ी रहती है। 3 गुच्छिकाएं वक्ष भाग में होती है और 6 गुच्छिकाएं उदर भाग में होती है। कॉकरोच का तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैला रहता है। सिर में केवल इसका थोड़ा सा ही हिस्सा होता है जबकि बाकी का हिस्सा शरीर के दूसरे भागों के अधर तल में उपस्थित रहता है। इसी कारण कॉकरोच का सिर काटने के बाद भी 1 सप्ताह तक जीवित रह जाता है। सिर में मस्तिष्क का काम अधिग्रसिका गुच्छिका द्वारा किया जाता है। तो अधिग्रसिका गुच्छिका है यही मस्तिष्क में सिर का काम करती है, सिर में मस्तिष्क का काम करती है। इसमें काम करती है तो जो अधिग्रसिका है वो श्रृंगिकाओं एवं संयुक्त नेत्रों को तंत्रिकाएं भेजती है।
तिल चट्टी में संवेदी अंग के रूप में श्रृंगिकाएं, आँख, मैक्सिलरी स्पर्शक, लेबियल स्पर्शक, गोदारोमक होते हैं आदि होते हैं। श्रृंगिका स्पर्शक और रोम स्पर्शक संवेदी अंग होते हैं। संवेदी अंग कौन कौन से होते हैं? श्रृंगिका स्पर्शक और रोमक स्पर्शक होते हैं। सिर के पृष्ठ सतह पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। प्रत्येक संयुक्त नेत्र में 20 लगभग 2000 प्रत्येक संयुक्त नेत्र में लगभग 2000 षटकोणीय नेत्रांशक होते हैं, यानी कि ओमेटिया होते हैं। और ये कई नेत्रांशकों की मदद से तिलचट्टा एक ही वस्तु की कई प्रतियां देख सकता है। इस प्रकार की दृष्टि को मोज़ेक दृष्टि कहते हैं, जिसकी सुग्राहिता अधिक होती है लेकिन विभेदन क्षमता कम होती है। सामान्यतः रात के समय में ऐसी दृष्टि होती है, अतः इसे रात्रि दृष्टि भी कहते हैं। इसे रात्रि दृष्टि कहा जाता है मोज़ेक दृष्टि को। अब इसके बाद हम तिलचट्टे में जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तिलचट्टा एक लिंगी प्राणी है तथा नर मादा अलग अलग होते हैं। नर जननांग एक जोड़ी वृषण के रूप में, अब हम नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें नर जननांग एक जोड़ी वृषण के रूप में विद्यमान होते हैं, जो चौथे से छठे खंड में पाए जाते हैं। उदर खंड के जो चौथे से छठे खंड में पाए जाते हैं और ये पार्श्व में स्थित होते हैं। तो चौथे से छठे खंड में पाए जाते हैं एक जोड़ी वृषण, और ये उदर के पार्श्व में स्थित होते हैं। इनसे और प्रत्येक वृषण से एक शुक्रवाहिका निकलती है, और शुक्रवाहिका शुक्राशय से होती हुई स्खलन नलिका में खुलती है, और स्खलन नलिका अधर भाग में, यानी कि अधर गुदा में खुलती है जनन छिद्र द्वारा। और फिर इसमें एक विशिष्ट छत्रक रूपी ग्रंथि होती है, जो छठे एवं सातवें खंड में होती है। ये छत्रक रूपी ग्रंथि होती है जो छठे और सातवें खंड में होती है, जो सहायक जनन ग्रंथि का कार्य करती है, जो सहायक जनन ग्रंथि का काम करती है। बाह्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसमें नर गोनोफोसिस या युग्मन प्रवर्त अथवा शिशन खंड के रूप में होता है। जनन रंध्र के चारों ओर काइटिनी असममितीय संरचना है। ये जो महा ज्ञानेन्द्रिया है, नर गोनो फोपिसस, जिसको हम युग्मन प्रवर्द कहते हैं, शिशन खंड कहते हैं, ये जनन रंध्र के चारों ओर काइटिनी संरचना है। शुक्राणु शुक्राशय में संग्रहित रहते हैं और पुंज के रूप में आपस में चिपके रहते हैं। इन पुंजों को शुक्राणुधर कहते हैं। तो इन पुंजों को शुक्राणुधर कहते हैं। और मैथुन के समय विसर्जित कर दिए जाते हैं। मादा जनन तंत्र में दो बृहद आकार के, अब हम मादा जनन तंत्र की बात करते हैं, तो मादा जनन तंत्र में दो बृहद आकार के अंडाशय होते हैं, जो उदर के दो से छठे खंड के पार्श्व में स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय में 8 अंडाशय नलिका अथवा अंडाशयों का बना होता है। तो मादा जनन तंत्र की बात करें तो दो से छठे खंड तक होती है। इसमें 8 अंडाशय नलिका होती है। तो ये मादा जनन तंत्र का चित्र है। और ये अंडाशय नलिकाओं में अंडों की एक श्रृंखला होती है। दोनों तरफ के अंडाशयों की अंडवाहिनियां मिलकर के एक मध्य अंडवाहिनी का निर्माण करती है, जिसे योनि कहते हैं, जो जनन कोष्ठ में खुलती है। छठे खंड में एक जोड़ी शुक्राणु धानी होती है, जो जनन कक्ष में खुलती है। शुक्राणु शुक्राणुधर के द्वारा स्थानांतरित होते हैं तथा इसके निषेचित अंडे एक संपुट में संकोचित होते हैं।
जिसे अंडकवच कहते हैं, संकोचित होते हैं जिसे अंडकवच कहते हैं। अंडकवच गहरे लाल रंग के काले भूरे रंग के होते हैं, 3 से 8 इंच यानी कि 8 मिलीमीटर तक के होते हैं। लंबा संपुट कैप्सूल होता है, ये संपुट दरारों अथवा आर्द्रता युक्त तथा भोजन वाले स्थानों पर चिपका दिए जाते हैं। औसतन एक मादा 9 से 10 अंडकवचों को उत्पन्न करती है। प्रत्येक में 14 से 16 अंडे होते हैं। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का परिवर्धन में पेरोमेटाबोलस प्रकार का होता है, यानी पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना ये कॉकरोच का नाम है, इसमें परिवर्धन पोरोमेटाबोलस प्रकार का होता है, अर्थात इसके परिवर्धन में अर्भक या फिर निम्फ अवस्था मुख्य रूप से पाई जाती है। अर्भक वयस्क के समान दिखते हैं। अर्भक में वृद्धि कायंत्रण के द्वारा होती है, लगभग 13 निर्मोचन के बाद यह वयस्क में बदलता है। अंतिम अर्भक अवस्था से पहली अवस्था में पक्ष तल्प यानी विंग पैड पाए जाते हैं, यानी पंख तल्प पाए जाते हैं। अंतिम अर्भक अवस्था से पहली अवस्था में पंख तल्प आ जाते हैं, विंग पैड आ जाते हैं। तिलचट्टे की बहुत सी जंगली जातियां हैं तथा इनका कोई आर्थिक महत्व नहीं है। कुछ जातियां मनुष्य के वास स्थान में अथवा उसके आसपास फलती फूलती है, पीड़क के रूप में कार्य करती है, ये खाद्य पदार्थों को नष्ट करती है, अपने दुर्गंध युक्त उत्सर्ग द्वारा संदूषित कर देती है, भोज्य पदार्थों को संदूषित कर अनेक जीवाश्मी बीमारियों को फैलाते हैं। तो ये हमारा कॉकरोच का पूरा चैप्टर होता है।